मुझे NMDC क्या है वो बता दीजिए। NMDC क्या है? सर, NMDC एक कंपनी है जो माइनिंग करती है, और NMDC का माइंस जो है छत्तीसगढ़ में हमारा दो प्रोजेक्ट है, दोनों आयरन और माइनिंग करते हैं हम लोग। और इसके अलावा हमारा डोनीमलाई जो कर्नाटका में है वहाँ पर भी दो प्रोजेक्ट है, और पन्ना में एक डायमंड माइन है, और इसके अलावा अभी नगरनार में एक वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग एक स्टील प्लांट भी बना रहे हैं, जो कि उम्मीद है अक्टूबर तक के उसका कमीशनिंग हो जाएगा। तो सर, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो किस लिए था? ये प्रोग्राम हम लोग NMDC का जो डायमंड जुबली ईयर, उसके चलते हम लोग कुछ प्रोग्राम चेकआउट किए थे, जिसमें एक नेशनल सेमिनार और एक इंटरनेशनल सेमिनार था। और ये नेशनल सेमिनार को हम लोग यहाँ पर रायपुर में किए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वर्क जो चल रहा है, हमारा जो रेवेन्यू हम लोग अर्न कर रहे हैं वो मैक्सिमम छत्तीसगढ़ स्टेट से है, और छत्तीसगढ़ के जो रायपुर के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज है और कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है, वो सब देखते हुए हमारा प्रोजेक्ट्स भी पास में हैं। तो हम चाहते थे ऐसा एक टॉपिक उसमें सिलेक्ट करें जो कि ये समय के हिसाब से सूटेबल हो, रिलेवेंट हो, और इसलिए हम लोग एक टॉपिक जो इसमें थीम रखा था कि रेस्पॉन्सिबल माइनिंग इन न्यू पैराडिम। तो ये न्यू पैराडिम मतलब जैसे कोई स्टैट्यूट चेंज होता है, फॉरेस्ट लॉ चेंज हो रहा है, लोगों में जो सोसाइटी में भी जो है एक उम्मीद जो एक्सपेक्टेशन जो बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ें जो है आजकल तो ऑनलाइन मीडिया के कारण भी जो है लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गया है। कोई चीज़ जो है पहले न्यूज बनने के लिए 4-5 दिन लगते थे, हफ्ते लगते थे, अभी तुरंत का तुरंत जो है क्लिप बन करके आ जाता है। तो ये सब के कारण जो है जो भी इंडस्ट्री है, हम लोग जैसे एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, 60 साल से चल रहा है हमारा माइनिंग इंडस्ट्री NMDC के द्वारा, और हम लोग भी काफ़ी इसमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति, जो स्टेक होल्डर्स के प्रति, जबकि कंपनीज लॉ में CSR नहीं था तब से हम लोग तो बहुत पहले से CSR का काम कर रहे थे। ठीक है, उस समय हम लोग का प्रॉफिट भी नहीं था, प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद भी जो है NMDC ने ऐसा ऐसा काम किया है वहाँ के जो हम लोग बरेडीला के आसपास, क्योंकि बरेडीला माइंस का आप लोग जानते होंगे कि वो ऐसा लोकेशन में है कि उस समय जब ये माइन शुरू हुआ था, जैसे हमारा आज पुराने CMDs वगैरह को भी बुलाए थे, तो हमारा एक पूरा पूर्व CMD उन्होंने बताया कि 71 के आसपास जब वो थे वहाँ पर, ना कोई सुविधा था, ना कोई कनेक्टिविटी था, ना कम्युनिकेशन था, रास्ता नहीं था, लोगों को भांसी से पैदल जाना पड़ता था। उन वहाँ पर रास्ता बनवाना, स्कूल बनवाना, बहुत सारे सुविधा करवाना, ये सब NMDC शुरू से करते आ रहा है। तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है हम लोगों ने किया है, और आज भी जो है हम नए नए टेक्नोलॉजी ला करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग एक स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का अभी शुरुआत करेंगे, तो स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि लीनियर प्रोजेक्ट है, और इसमें बहुत कम ज़मीन यूज होता है, जो लैंड यूज जो है बहुत कम होता है, और ये ज़मीन के नीचे रहता है पाइपलाइन, और जो फाइन्स जो कि सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फाइन्स को पाइपलाइन के अंदर से स्लरी बना करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि एक एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक पाथ ब्रेकिंग स्टेप एक होने वाला। ऑलरेडी SR कर चुका है, हम लोग भी अपना जो फ्यूचर एक्सपेंशन हमारा है, आज हम लोग यहाँ पर बरेडीला रीजन से 22-23 मिलियन टन कर रहे हैं, आगे जा करके ये बरेडीला से 40-50 मिलियन टन तक पहुँचेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी वर्कआउट किया कि रेल से कितना जा सकता है, स्लरी पाइपलाइन से कितना जा सकता है, तो रेलवे लाइन का भी दोहरीकरण के लिए हम लोगों ने स्टेप्स लिया है, जिसमें आज मान लो 28 मिलियन टन का कैपेसिटी है बाई रेल जाने का, ये दोहरीकरण होने के बाद में ये 40 मिलियन टन हो जाएगा। स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है इसमें हम लोग अभी से 15 मिलियन टन जो स्लरी बना करके ट्रांसपोर्ट करने का वो एक्शन भी ले रहे हैं, 15 मिलियन टन कैपेसिटी बना कर रखेंगे, 15 मिलियन टन तब पहुँचेगा वो मार्केट
के हिसाब से रहेगा, हमारा कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, लेकिन ये सब कैपेसिटी हम लोग अभी से बनाने का निश्चय किए हैं और उसके दिशा में काम भी शुरू कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना केवल NMDC का कैपेसिटी एनहांस करने में मदद करेगा, बल्कि जो है देश का जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जो आयरन ओर जो कि स्टील बनाने के लिए एक अहम रॉ मटेरियल माना जाता है, मेन रॉ मटेरियल माना जाता है, तो उस दिशा में भी इंडस्ट्रीज को भी उसका फ़ायदा मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा और एक भी NMDC काम कर रहा है, आप लोगों को मालूम होगा कि एक बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी बना है जिसमें NMDC का 52% स्टेक है, तो NMDC ये इसमें भी 52% करीब जो है अपना योगदान दे रहा है। और ये रेलवे लाइन अगर बन जाता है तो इसके कारण क्या होगा, किरंडुल से हमारा रायपुर आने के लिए जो फ्रेट लगता है, जो भाड़ा लगता है, माल भाड़ा लगता है, उसमें काफ़ी कमी आएगी, उसमें करीब करीब 160 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, मतलब कम पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी ये हमारा आगे के लिए कस्टमर्स के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज जितना रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है उतना आप देखे होंगे कि NMDC में ट्रक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम होता है, जबकि आप जितने भी प्राइवेट माइंस चाहे बड़बिल का हो चाहे उधर कर्नाटक में हो, देखिए ट्रक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ बरेली में हम लोग ये पॉइंट बनाए कि ट्रक ट्रांसपोर्ट कम से कम रोक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ना केवल एनवायरमेंट के लिए ख़तरा है बल्कि रोड्स भी जो है ऐसा है कि वहाँ पर दुर्घटना होने का भी संभावना रहता है, तो हम लोग नहीं चाहते कि ट्रक में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो। तो ये हम लोगों का जो स्टेप्स रहा है। सर पहले तो आपको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, आपने इतना कुछ अचीव किया, इतना एडवांटेज हो रहा है, लोगों को इतना सारा एडवांटेज मिल रहा है, उसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सर और कुछ आप अलग से कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं, मैं ये ऑडियंस के, क्योंकि ये माइनिंग के ऊपर मेनली ये हम लोग का जो सेमिनार आधारित था, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मैं जैसे बताया, हमारा पुराना जितना भी CMDs रहे हैं और डायरेक्टर्स रहे हैं, डायरेक्टर प्रोडक्शन, डायरेक्टर कमर्शियल, जो मेन प्रोडक्शन काम में अपना योगदान दिए हैं इस कंपनी के लिए, उन लोगों को यहाँ पर शामिल किए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हमारा मिनिस्टर स्टेट स्टील का जो है विष्णु साय जी आए थे, यहाँ छत्तीसगढ़ का जो मंत्री अमर अग्रवाल जी आए थे, आज भैल इलेक्ट्रिक फंक्शन में PCCF आए हैं, APCCF आए हैं, और सभी का जो भी मत था, जो भी सजेशंस था, सब समझ रहे हैं कि माइनिंग देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट को भी जो है बचाना ये भी ज़रूरी है। उसके लिए नया टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नया उपाय आ रहे हैं, तो डिजाइन स्टेज से ही ये सब अमल करके एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो, तो ये सब करके कंपनी एक रोल मॉडल के रूप में, क्योंकि NMDC एक नवरत्न कंपनी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं महारत्न बनने के लिए, तो खाली महारत्न नवरत्न टैग लग जाने से नहीं होगा, अपने को काम में भी उस चीज़ को करा के दिखाना पड़ेगा। और उस दिशा में टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग है, बोर्ड का थिंकिंग है, बहुत सारे हम लोगों को जो सजेशंस मिल रहे हैं, बहुत सारे जो डिस्कशन होते हैं उसमें यही रहता है कि कैसे सस्टेनेबल माइनिंग करना है। और आज अब देखे होंगे, कल हम लोग इनॉग्रेशन पीरियड में एक पहली बार NMDC एक सस्टेनेबल रिपोर्ट भी पब्लिश किया है। तो ये करने का मतलब ये है कि हम उसके रिपोर्ट के माध्यम से, ये हर साल हम लोग उसको करते रहेंगे, और उस रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारा डाटा जो है हम लोगों को प्राप्त होगा। अभी पहले रिपोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारा रिपोर्ट हमारे पास, डाटा हमारे पास है, और उस डाटा के माध्यम से उसको एनालिसिस करके किस में हमको इम्प्रूव करना है वो भी मालूम पड़ेगा। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, हम डस्ट दिखने से हम सोचते हैं एयर पोल्यूशन है, जबकि जो नहीं दिखता है वो ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो इसलिए वो सभी जितने पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स को ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, बट और भी जैसे सोशल इफेक्ट जो है इसको मेजर करने का नहीं था, ये सस्टेनेबल रिपोर्ट में वो भी एक पैरामीटर है। तो सोशल इफेक्ट क्या होता है,
जो वहाँ का स्टेक होल्डर्स है उनके ऊपर क्या माइनिंग के कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट, इफ देयर एक्सपेक्टेशन इज देयर समथिंग, और स्टैट्यूट भी जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग को कोप अप करते हुए आगे बढ़ना है, ना केवल कंप्लाई करना है बल्कि और एक स्टेप आगे रहना है जिससे कि ये अनुकरणीय हो। तो ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे आप लोग मालूम है NMDC प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और जब तक हम लोग प्रॉफिट मेकिंग रहेंगे तो ये सब काम हम लोग आसानी से कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कुछ चीज़ों के बारे में टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी ये, और एक हम लोग कल MOU किए चिप्स के साथ में। तो छत्तीसगढ़ का जो IT विंग है गवर्नमेंट का, चिप्स जिसको बोलते हैं, तो उस चिप्स के साथ भी एक MOU किए। उस MOU के तहत NMDC का जितना माइंस प्लांट अप टू लोडिंग जितना भी हमारा प्रोसेस चलते हैं, जितना एक्टिविटीज चलते हैं, वो सबको कैसे IT इंटरवेंशन से, क्योंकि IT इंटरवेंशन से कैसे उसका रियल टाइम डाटा हमको प्राप्त हो, और उसमें कहाँ कहाँ हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं, कहाँ हम चीज़ों को प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यूजर फ्रेंडली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माइनिंग में अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लगाते हैं जो कि एम्प्लॉयज को काम करने में आसानी हो, और जिससे कि जो है उनका प्रोडक्टिविटी हमारा माइंस का भी बढ़े और उनको फैटिक भी ना हो, तो वो सब दिशा में भी काम किया जा रहा है। बहुत सारा चीज़ें अभी मैनुअली हम लोग सोचते हैं, हालांकि मैकेनाइज माइन है हम लोग का पूरा, बट बहुत सारे चीज मैन का जो एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो ये सब IT इंटरवेंशन के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा चीज़ों में उन्नति होगा, बहुत सारा चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपनी के रूप में कंटिन्यू करने के लिए मददगार साबित होगा। सर आप लोग ये हम लोगों का पहला चरण में एक सेमिनार किया नेशनल लेवल में, तो ये नेशनल लेवल सेमिनार जैसे आप लोग ही फीडबैक दे सकते हैं, सभी लोग जो आए थे, जितना भी पार्टिसिपेंट्स थे, बाहर से बहुत रिनाउंड लोग आए थे, सबने अप्रिशिएट किया टॉपिक को लेकर के, जो इंटरेक्शन हुआ, जो डिलीबरेशन हुआ उसको लेकर के। तो हम लोग ऑलरेडी एक और सेमिनार दिल्ली में नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, जो अक्टूबर महीना में होगा, और उसमें भी जो है माइनिंग एंड मेटल्स के ऊपर ही आधारित रहेगा, जिससे कि उस सेमिनार में जो भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है, जो भी वैल्यूएबल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होता है, नॉलेज होता है, उस सब का फ़ायदा ना केवल NMDC को मिले बल्कि इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री में जो जितने भी जिम्मेदार माइनिंग कंपनी काम कर रहे हैं उन सबको मिले। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से कंपनियों को, उनका रिप्रेजेंटेटिव को उसमें शामिल किया जा रहा है। ऑलरेडी उसके दिशा में, हालांकि अक्टूबर में है लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि ना केवल अपना देश के स्तर में बल्कि इंटरनेशनल स्तर में भी ये काफ़ी इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, और ये सब चीज़ करके हम लोगों को काफ़ी, कंपनी को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि सेमिनार करने से पैसा खर्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे जो नॉलेज शेयरिंग होता है, जो नॉलेज गेन होता है, ये सभी के लिए यूजफुल है, और सभी कंपनी को ये इसमें हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमको इतना कुछ बताया है ना इस चीज़ के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, और आपका जो सोच है इसके पीछे कि आप एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए सब चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, इससे ज़रूर इंडिया एक दिन काफ़ी अच्छे जगह पे रहेगी, काफ़ी कुछ डेवलप कर लेगी जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये सब में पहले माइनिंग कंपनी सोचते कि इसमें खर्चा करना मतलब ये फालतू का खर्चा है, इसमें हम लोग को कोई गेन नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि सेफ्टी और एनवायरनमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका कई गुना रिटर्न जो है हमको मिलेगा, क्योंकि आपका सस्टेनेबिलिटी जो है अगर
खतरे में पड़ जाता है तो बाकी आप कितना भी कुछ करो कुछ नहीं हो सकता है। तो सस्टेनेबल बनने के लिए सेफ्टी, एनवायरनमेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर में जो हमारा वहाँ कम्युनिटी रहते हैं आसपास, हमारा एम्प्लॉइज जो रहते हैं, प्लस हमारा जो सप्लायर्स रहते हैं, जो वेंडर्स रहते हैं, वो सबका प्रॉब्लम को एक लॉजिकल वे में उसको सॉल्व करना, उनका प्रॉब्लम को सुनना और उसके ऊपर एक्ट करना, ये सब चीज़ें जो है एनएमडीसी कर रहा है। और इसमें देखिए कोई भी काम हम करते हैं उसमें हर एक काम में इम्प्रूवमेंट की स्कोप रहता है। कई बार होता है नॉलेज के कमी के कारण आप नहीं कर पाते हो, तो ये सब इस टाइप के सेमिनार से ये सब नॉलेज मिलता है और उसको आगे जा करके इम्प्लीमेंट करके हम कंपनी को उसका फ़ायदा दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।